जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे भाइयों का कमेंट था जो भैया आप जो है ये जो झालर लाइट आता है वो बिल्कुल सिंपल वे में समझाइए आप, बिल्कुल सिंपल वे में, ताकि आप हम लोग कुछ जानते भी नहीं है, बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो हम जो है रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट आया हुआ है दोस्तों। तो आज मैं दोस्तों बिल्कुल बच्चे लेवल में समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आप अगर कुछ नहीं भी जानते हो तो भी आप रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल बच्चे मतलब जीरो से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट भरोसा कीजिए, जो आप यह वीडियो अगर देख लोगे तो आप रिपेयर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इस तरह का झालर लाइट को आप इजी वे में रिपेयर कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या हुआ ये जान लो आप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है कि देखो, हम टेस्टर से रिपेयर करने वाले हैं और कुछ मिनट में दोस्तों आप अगर सीख जाओगे, आपको सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा हमें, बट आप बहुत जल्दी रिपेयर कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो, मैंने टेस्टर लिया है और ये नॉर्मल टेस्टर है दोस्तों, ये कोई विशेष नहीं है, बस नॉर्मल जो मार्केट में मिलता है टेस्टर, लोगे 20 रुपये मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक। उसमें मैंने क्या किया, आलपिन डाल दिया, आपके पास सुई हो या आलपिन हो या पतला कोई भी चीज़ है दोस्तों, ठीक है, पतला सा जिसमें जो है आपको करेंट पास हो, ठीक है, तो वो आपको लगा लेना, और ऊपर से मैंने टेप मार दिया है, ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद आपको लाइन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, जिससे जिसको जिससे जलाइएगा आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए, हम जो है एक्सटेंशन बोर्ड जो है हम ये बनाए हुए हैं अपना, ठीक है, ये सीरीज है, बट आप एक्सटेंशन बोर्ड लेके आप काम कर सकते हो इजी वे में। उसके बाद कुछ नहीं दोस्तों, और बस इतना दो सामान का जरूरत हो गया, एक एक्सटेंशन बोर्ड, एक टेस्टर, आपका लाइट रिपेयर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं कुछ डायग्राम देके बताता हूँ, ताकि आपको सही समझ में आएगा, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, ये सब जितना भी लाइट है दोस्तों, ये सब जितना भी है, इसमें तो कोई चेंजर वगैरह लगा हुआ नहीं है, जो चेंजर लाइट आता है, जो अलग अलग कलर का जलता है, अलग अलग तरह का जो है लाइटिंग आता है ना, तो वो तो चेंजर नहीं है, ये नॉर्मल लाइट है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है पहले ये समझ लो आप, ठीक है। दोस्तों ये जो है, और ये एक डायरेक्ट आके यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो गया 220 वोल्ट AC, ठीक है, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट। देखो दोस्तों, इसमें दो पॉइंट रहता है, दो तार रहता है शुरू में, लास्ट में दो तीन कर दे दिक्कत, तीन भी कर दे दिक्कत नहीं है। होता है क्या दोस्तों, कि यहाँ से जो है ना दोस्तों, एक और जो है यहाँ पे एक और तार यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, डबल तार देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखो, आपको कोई भी जैसे लाइट हो, ये दोस्तों ये लगभग 3 साल पुराना लाइट है ये सब, ठीक है, तो इसी को हम, चलिए हम कोई भी जैसे यही है, इसको हम रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सबको साइड हम हटा देते हैं, बिल्कुल साइड कर देते हैं, ताकि आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इसको पहले हम जो तार जो लगा हुआ है उजरा टाइप का, उसको हम ठीक कर देते हैं। ये लास्ट छोड़ है, ठीक है, और इसका फर्स्ट जो है ये, ठीक है। तो चलिए, हम इसको जला के देखते हैं, ये जलता है क्या नहीं जलता है। ये तो जल गया, सॉरी, ये तो जल गया दोस्तों, है ना। तो चलिए, ये जल गया, चलिए कोई और लेते हैं। तो चलिए, इसको जला के देखते हैं, ये नहीं जला है ना, ये नहीं जला, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा इधर हिला डुला के देख लेते हैं, जलता है कि नहीं, नहीं जला, ठीक। तो चलिए, इसको जो है हम बिल्कुल सही से कर देते हैं। देखिए, इसका जो है फर्स्ट ये हो गया और लास्ट ये हो गया, है ना, लास्ट लास्ट कौन सा दोस्तों, तो ये वाला, ये लास्ट जो है, ये एलईडी लास्ट एलईडी है, ठीक है, माना कि, ठीक है, तो ये लास्ट एलईडी है इसका। चलिए, इसको जो है हम थोड़ा फैला देते हैं, तो देखो दोस्तों, इसका ये लास्ट छोड़ है, इसका ये फर्स्ट है, ठीक। तो चलिए, फिर से लगा के देख लेते हैं, ये जलता है कि नहीं जलता है। तो ये नहीं जला, ठीक है, नहीं जला। तो अब देखो, आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर ये नहीं खड़ा, ये नहीं जल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या है कि दोस्तों, इसके अंदर भी देखना है खोल के, कि कहीं तार वगैरह तो नहीं छूटा हुआ है ना, ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं, ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हम चलिए, इसको तार को काट लेते हैं, ठीक है, ये मैंने तार काट लिया, ठीक है, और इसमें जो है अच्छा सा प्लग वाला तार जो है हम जोड़ के आपको दिखाते हैं कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो देखो दोस्तों, ये जो है हम तार जोड़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसको जो है हम लगा के देखते हैं, ये जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है, ये अभी भी नहीं जला, ठीक है, करेंट तो आ रहा है बट नहीं जल रहा है, ठीक। तो अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, इस तरह का लाइट में क्या करना होगा ये देख लो पहले, ठीक। तो चलिए, इसको हम खोल देते हैं, चलिए हम एक तार जो है खोल देते हैं, ठीक है। चलिए, आप देखो, ये तो आपको करना क्या, सबसे पहले ये देख लो आप, ठीक है। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि किसमें जो है आपका कौन सा, किसमें घुसाते हैं टेस्टर, तो टेस्टर में लाइट जलता है, ठीक है। तो चलिए, आपको दिखाते हैं, इसमें घुसाएं तो लाइट नहीं जल रहा है, ठीक है, इसमें घुसाते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें घुसाएं तो लाइट जला, ये देखिए दोस्तों, लाइट ये जल रहा है ना, ये जल रहा है लाइट, आपको दिख रहा होगा सही से, है
है ना, ये लाइट जल रहा है ठीक है, और इसमें जो नहीं जल रहा है ये देखिए इसमें नहीं जल रहा है ठीक है। तो इसका मतलब जो है आपका ये जो है ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया ठीक है, इसमें लाइट जल रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा ठीक है। इसमें क्या है घुसाते हैं, ये लाइट जलता है ना। तो चलिए अब देखो क्या करना है ठीक है। तो कोई भी तार देखिए, ये जो तार है दोस्तों, ये जो दो तार है, तो कोई भी तार में जो है हम फेज देंगे, चाहे इसमें हो ठीक है। तो चलिए कोई भी तार में हम फेज देते हैं, तो चलिए देखिए इसको हम खोल के हटा देते हैं ठीक है। चलिए अब इसमें क्या करना है दोस्तों, एक तार जो है दोनों में से कोई भी तार में ये घुसाएं हम, लपेट दिए हैं इसको ठीक। चलिए इसको इसमें टेप मार देते हैं थोड़ा सा, चलिए इसमें जो है हम टेप मार देते हैं। देखो दोस्तों ये टेप मैंने मार दिया है ना। आप देखिए अब करना है क्या है, ये जल आप देखिए ये जो है ये इसमें डालना है ठीक, और ये तार में जो है आपको ये तार जो है इसी का तार है दोस्तों, इस तार जो खाली है दोस्तों, दोनों में से एक तार लिया ना मैंने दोस्तों है ना, दोनों में से एक तार लिया, हमको पता नहीं है कौन तार लिया है ठीक है, बट एक तार लिया मैंने ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर जो है हमें डाल देना है, ये देखिए ये मैंने डाल दिया ठीक है, ये डाल दिया कौन, ये फेज है जिसमें जिससे करंट लाइट जलता है ठीक है, यहाँ पे लाइट जलता है, इसमें मैंने डाल दिया ठीक है। आप देखिए अब जो है हमको चेक करना है, यहाँ पे कहाँ चेक करना है, सबसे फर्स्ट बारे में, सबसे पहला बॉल में, पहला या सेकंड बॉल में ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये लाइट जलता है क्या नहीं जलता है ठीक है। तो चलिए फर्स्ट बॉल जो पूरा बेंड है ठीक है, सेकंड थोड़ा सा ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ लाइट जलता है क्या नहीं जलता है। ये देखिए ये जो है बिल्कुल नहीं जल रहा है, कुछ भी नहीं जल रहा है, और इसमें चेक करते हैं देखिए इसमें भी नहीं जल रहा है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा है ठीक है। तो चलिए इसमें हो सकता है दोस्तों प्लग भी लूज होगा इसमें, चलिए हम अच्छा से थोड़ा टाइट मार देते हैं, आप चेक करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। देखिए दोस्तों ये जो लाइट जल रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा भाई थी है ना, ये लाइट जल रहा है ना, जैसे वहां जल रहा था, देखिए दोस्तों यहाँ जैसे जल रहा था वैसे यहाँ जल रहा है ठीक है, यहाँ जल रहा है, चलिए यहाँ तो जल गया दोस्तों है ना। आप देखिए इसका जो फर्स्ट वाला में, सेकंड वाला में जल गया ठीक है। चलिए हम थोड़ा दूर चेक करते हैं, तो चलिए ये वाला जो है थोड़ा दूर चेक करते हैं, चलिए यहाँ से हम, चलिए यहाँ चेक करते हैं, इस जगह चेक करते हैं दोस्तों ठीक है, थोड़ा दूर है ये देखिए है ना, यहाँ थोड़ा दूर है ठीक। तो यहाँ चेक करते हैं यहाँ जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं जल रहा है शायद, चलिए सही से चेक कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों यहाँ भी नहीं जल रहा है ना, ये यहाँ भी नहीं जल रहा है ठीक है। तो चलिए अब जो है थोड़ा पीछे आते हैं, अगर जलता दोस्तों तो आगे जाते हैं, अगर यहाँ तक आ रहा है करेंट ठीक है तो थोड़ा आगे जाते हैं ना ठीक है, बट यहाँ तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब इधर से जो आ रहा है इधर से प्रॉब्लम होगा ठीक है। चलिए यहाँ चेक करते हैं हम, तो देखो दोस्तों अभी भी इसमें भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, चलिए यहाँ भी चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं आ रहा है ठीक है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, चलिए और पीछे आना आना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ आते हैं ठीक है। तो अब यहाँ चेक करते हैं यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है दोस्तों, दोस्तों यहाँ भी नहीं आ रहा ठीक है। चलिए अब यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ना, सही से देखेंगे तो आ रहा है यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ रहा है ठीक है। चलिए यहाँ आ रहा है, उसके बाद चलिए यहाँ तो आ रहा है, बट यहाँ देखते हैं यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं, देखो दोस्तों वहां तो आ रहा था बट यहाँ नहीं आ रहा है ठीक है। चलिए सही से थोड़ा चेक कर लेते हैं, देखो दोस्तों यहाँ नहीं आ रहा है ना, यहाँ तक तो नहीं आ रहा है, तो चलिए फिर से यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ तो आ रहा था तभी, फिर से यहाँ चेक कर लेते हैं,
देखो दोस्तों, यहाँ आड़ा है, ठीक है, यहाँ आड़ा है ना, और इसका बॉल का इस साइड जो है चेक करते तो यहाँ नहीं आड़ा है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नहीं आड़ा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एलईडी में दो खुट्टी होता है दोस्तों, कोई भी एलईडी में दो दो तारा निकलता है, जैसे देखिए ये एलईडी है, ठीक है, तो एक तार आता है ना, जो भी प्लस माइनस आता है, तो यहाँ तक तो करंट आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब एलईडी फ्यूज होगा, है ना, तभी तो नहीं आ रहा है। तो देखो, चलिए तो अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो देखो फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो देखो तो ये आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, कि इसको जो हम एलईडी को काट के जो है इसको डायरेक्ट कर देते हैं पहले, ठीक है, तब देखेंगे कि करंट जो है आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको जो हम यहाँ से हटा दिए, ठीक है, अब ये एलईडी था, इसको क्या है दोस्तों यहाँ से काट देते हैं, चलिए इसको हम साइड में रखें एलईडी को। अब जो है इसका वायर को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो देखो दोस्तों ये जो है मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। आप देखो, अब फिर से क्या करना है, इसको हम घुसा देते हैं, ठीक है, घुसा दिया मैंने, और इसको जो है सही से हम टाइट कर दिए, ठीक। आप देखो, अब यहाँ चेक करते हैं यहाँ करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो आ रहा था दोस्तों, यहाँ से यहाँ आगे नहीं बढ़ रहा था, चलिए यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे अब जल रहा है ना, इधर जल रहा है, चलिए लास्ट तक चेक करते हैं हम डायरेक्ट, इसका लास्ट एलईडी कहाँ है, ये है, तो चलिए इसका सेकंड ये है लास्ट का, ठीक है, ताकि इसमें जो है ये अंदर नहीं घुसेगा सही से, तो चलिए यहीं चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो दोस्तों यहाँ तक आ रहा है ना, चलिए ये तो आ रहा है ना, ये लाइट जल रहा है पूरा अच्छा से। आप देखिए, एक तो तार देखिए दोस्तों, ये एलईडी का तार बिल्कुल यहाँ तक सही है, ठीक है, यहाँ तक सही है, अब ये तार सही है कि नहीं ये चेक करते हैं ना, चेक तो करना होगा ना, ठीक है। तो देखो अब चलिए इसको निकालते हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर मुझे लगता है लाइट तो बन गया होगा दोस्तों, फिर भी हम आपको समझाने के लिए आपको समझा देते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये तो तार हो गया, आप देखिए इसमें दो तार है ना, तो अब इसको खोल देना है, ठीक, ये तार काम खत्म हो गया, अब ये तार में लगाते हैं, ठीक ठीक है। तो देखो अब ये वाला तार में लगा रहे हैं, ये देखिए ये वाला तार में, ठीक, और यहाँ चेक करेंगे ये करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए अब इसको जो है हम जैसे इसको किए थे वैसे इसका भी कर देते हैं, अब इसमें जो है इसको डायरेक्ट घुसा देते हैं, ठीक, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए सबसे लास्ट वाला वायर है, ये कौन सबसे लास्ट वायर है ना, सबसे लास्ट वायर में आपको घुसा कर देखना कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट वायर में घुसा कर देखते हैं, इसमें घुस नहीं रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं कि आ रहा है करंट कि नहीं आ रहा है, सही से टच लेगा तभी तो आएगा ना इसमें। देखो दोस्तों, इसको पन्नित काट दोगे ना तो यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है, लाइट जलेगा इसमें, देखिए दोस्तों ये जल गया है ना, ये जल गया, इसका मतलब है दोस्तों कि ये भी वायर सही है और ये भी वायर सही है, ठीक है। तो अब दोनों का वायर जो है सही था, सही है, ठीक है। प्रॉब्लम था दोस्तों यहाँ पे, ये एलईडी में प्रॉब्लम था, देखो है ना दोस्तों, ये एलईडी में प्रॉब्लम था। चलिए तो अब जो है इसको हम डायरेक्ट, अब क्या है इसको लगा के देखते हैं लाइन से कि अब ये जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है, ठीक है, ये देखिए ये है, अब इसको यहाँ से जलाते हैं, तो देखो दोस्तों ये हो गया है। चलिए अब इसको प्लग लगाते हैं, देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है, ये देखो दोस्तों ये बिल्कुल जल गया है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का लाइट को कैसे ठीक करते हैं, ठीक है, और सब में सेम प्रॉब्लम, सब में सेम करना है दोस्तों, कोई ये डिफरेंट वगैरह नहीं होता, सब में सेम कनेक्शन है, ये सब का कनेक्शन सेम सीरीज में ही है, ये जो जितना भी कनेक्शन है ये एलईडी का सारा सीरीज है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।